Hello friends, welcome to Tech Gurukul. In this lecture, we will study about Quine-McCluskey Minimization Technique, जिसको हम tabular method भी कहते हैं. ये एक minimization techniques है. Different methods हम use करते हैं किसी भी expression को minimize करने के लिए. किसी भी expression का minimization क्यों करते हैं? Because उसके designing के time पे जितना minimized expression होगा, उतना ही कम से कम hardware लगेगा. कम से कम hardware means के गेट्स यूज करने हैं हमें, आईसीज यूज करने हैं, ट्रांजिस्टर यूज करेंगे, तो वो हार्डवेयर कम होगा. सो डिफरेंट मेथड्स हम यूज करते हैं मिनिमाइजेशन के लिए. जैसे बुलियन अलजेब्रा, यदि दो या तीन वेरिएबल है, टू और थ्री वेरिएबल्स आर गिवन, तो उस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम बुलियन अलजेब्रा यूज करते हैं. नेक्स्ट इज के मैम मेथड. ये के मैम मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही पॉपुलर मेथड है. इसको अप टू 5 या 6 वेरिएबल तक हम यूज करते हैं. उसके बाद क्वीन मैक्लस्की मेथड है. यदि नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हैं, तो क्वीन मैक्लस्की मेथड यूज करते हैं. या कोई कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम हमें डिजाइन करना है, तो इस मेथड को हम यूज करते हैं. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम डिजाइन करने के लिए हम जो भी मिनिमाइजेशन टेक्निक हम यूज करें, उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है? दीज आर द रिक्वायरमेंट्स की कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल. जो भी हम टेक्निक यूज करें, वो कैपेबल होनी चाहिए लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हैंडल करने के लिए. सेकेंडली हमें क्या चेक करना है? शुड नॉट डिपेंड ऑन ह्यूमन एबिलिटी. जो भी हम ग्रुपिंग करते हैं, जैसे के मैप हम यूज करते हैं, उसमें हम मैन्युअली ग्रुपिंग करते हैं, तो ह्यूमन एबिलिटी पर डिपेंड रहता है कि जो भी हमने मिनिमाइज सॉल्यूशन निकाला है वो बेस्ट है या नहीं है. तो जो भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हम डिजाइन करते हैं, उसके लिए ये रिक्वायरमेंट मस्ट है कि दैट शुड नॉट डिपेंड ऑन ह्यूमन एबिलिटी. उसके बाद should ensure minimized expression. जो भी expression last में हमें मिलता है वो minimized expression है. उसके बाद fourth is that should be suitable for computer solution. So कोई भी हम complex digital system design करते हैं, जो भी हम technique use करें minimization के लिए, तो ये सारे के सारे requirement fulfill कर. तो ये जितनी भी requirement है, ये Quine-McCluskey minimization technique या tabular method fulfill करता है. इसलिए हम इस method को use करते हैं. अब इसकी कुछ टर्म्स देखते हैं जो हम इसमें यूज करेंगे. फर्स्ट इज इंप्लिकेंट्स. इंप्लिकेंट्स क्या है बेसिकली? जो भी नंबर ऑफ वंस हैं, जो भी मिन टर्म्स हैं, उनको हम इंप्लिकेंट्स बोलते हैं. सेकंड इज प्राइम इंप्लिकेंट. प्राइम इंप्लिकेंट मींस कि लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ वंस. जितने भी मिन टर्म्स हैं, उनका जो भी लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप है, उसको प्राइम इंप्लिकेंट बोलते हैं. जैसे कोई भी 16 वेरिएबल का के मैप है, तो उसके अंदर जो 16 का ग्रुप है, दैट इज लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप. उसके बाद जो भी 8 का ग्रुप है, 8 मिनटर्म्स का ग्रुप है, वो लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप है. उसके बाद 4 का ग्रुप है, 2 का ग्रुप है. सो प्राइम इंप्लिकेंट्स क्या है? जो लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ वंस है, दैट इज प्राइम इंप्लिकेंट. उसके बाद एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट. एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट क्या है? जो जरूरी प्राइम इंप्लिकेंट है, कि जो भी प्राइम इंप्लिकेंट हमने यहां पर निकाले हैं, उसमें एटलीस्ट 1 मिनटर्म्स ऐसी होनी चाहिए कि जिसको हम फर्दर कंबाइन नहीं कर सकते हो, वो एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट है. अब इस मेथड को समझने के लिए हम कोई एग्जांपल करते हैं, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा, उसको हम कंपेयर करेंगे विद के मैप. ये एग्जांपल है एफ ए बी सी डी. 4 वेरिएबल्स हैं. दिस ए इज, दिस इज एम एस बी, दिस इज एल एस बी. 4 वेरिएबल हमने मेथड को सिंपल करने के लिए लिया है. इसके बाद इसको समझने के बाद आप कितने भी वेरिएबल तक इस मेथड को आप कर सकते हैं. सो सबसे पहले हमें क्या करना है? जितनी भी ये मिन टर्म्स हैं, दीज आर कॉल्ड मिन टर्म्स, इन मिन टर्म्स का बाइनरी इक्विवेलेंट हमें लिखना है. सो यहां पर जैसे 0 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट 0 0 0 0, दिस इज ए बी सी डी. ए इज एम एस बी एंड डी इज एल एस बी. उसके बाद 1 है. जितनी भी मिन टर्म्स हैं, ये जो भी मिन टर्म्स हैं, उनका हमें क्या लिखना है? यहां पर बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है 0 0 0 1. उसके बाद 3 है. 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आएगा? 0 0 1 1. उसके बाद 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट 0 1 1 1. उसके बाद 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट इज 1 0 0 0. उसके बाद 9 का इक्विवेलेंट 1 0 0 1. उसके बाद 11 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 0 1 1. उसके बाद 15 का इक्विवेलेंट 15 1 1 1. सो
सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इनका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है। इसके बाद जो स्टेप वन है, स्टेप वन हम क्या करेंगे, स्टेप वन में हम टेबल बनाएंगे यहां पर, जिसमें हम नंबर ऑफ वंस को हम काउंट करेंगे कि इनमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं। नंबर ऑफ वंस के अकॉर्डिंगली हम टेबल बनाएंगे। जैसे इसमें यहां पर नंबर ऑफ वंस कोई भी नहीं है, यहां पर यदि इसमें हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, यहां पर एक है ये, उसके बाद इसमें टू थ्री, यहां पर फिर से एक है, उसके बाद टू थ्री फोर। सो इस तरह से नंबर ऑफ वंस के लिए हम टेबल बनाए, ग्रुप बनाएंगे हम यहां पर। जैसे तो स्टेप वन में हम यहां पर इस तरह से टेबल बनाएंगे जिसमें हम नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे, उसकी ग्रुप बनाएंगे नंबर ऑफ वंस के अकॉर्डिंगली। जैसे फर्स्ट हम लिखे यहां पर ग्रुप जीरो है, ग्रुप जीरो मीन्स कि जिसके अंदर नंबर ऑफ वंस जीरो है, ऐसा सिर्फ हमारे पास ये मीन टर्म है जिसके अंदर कोई भी वन नहीं है, जीरो वंस है, तो यहां पर मीन टर्म हम क्या लिखेंगे, जीरो, और इसका इक्विवेलेंट हम लिखेंगे यहां पर जीरो जीरो जीरो। उसके बाद ग्रुप वन हम यहां पर लिखेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ वंस जो है वो एक है। यहां पर जैसे हमने देखा था कि ये क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ वंस कितना है, एक, उसके बाद यहां पर दो तीन और इसमें एक है, उसके बाद टू थ्री फोर। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर मीन टर्म्स, ये वन लिखेंगे मीन टर्म्स, और मीन टर्म्स कौन सी लिखेंगे हम, एट नंबर, जिसके अंदर नंबर ऑफ वंस सिर्फ एक है, तो इसका इक्विवेलेंट हम, वन का इक्विवेलेंट क्या रहेगा वेरिएबल, जीरो 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 वन, और एट के लिए क्या रहेगा, वन जीरो जीरो जीरो। इस तरह से हम ये ग्रुप हमने क्या बनाया है जिसमें नंबर ऑफ वंस जो है वो एक है, एक वन है, यहां पर भी एक है, तो ये है। उसके बाद ग्रुप सेकंड के अंदर हम चेक करेंगे जिसके अंदर टू नंबर ऑफ वंस हैं, टू नंबर ऑफ वंस देखो किसमें हैं, इसमें टू नंबर ऑफ वंस हैं यहां पर, दीज आर टू नंबर ऑफ वंस, इसमें थ्री हैं, और इसमें इसमें भी टू हैं, इसमें थ्री हैं, इसमें फोर हैं। सो एक ये है मीन टर्म्स नंबर थ्री, और दूसरा क्या है मीन टर्म्स नंबर दिस नाइन, यहां पर भी कितने वेरिएबल हैं, यहां पर भी कितने वंस हैं, एक और दो, सो ये क्या है नाइन। तो सेकेंड ग्रुप किसका है जिसमें नंबर ऑफ वंस दो हैं, कौन कौन से हैं मीन टर्म्स, थ्री और नाइन। अब इसका हम वेरिएबल लिखेंगे, बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे थ्री का जीरो जीरो वन वन, और नाइन का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, वन जीरो जीरो वन। तो इस तरह से ये ग्रुप सेकेंड। उसके बाद थर्ड ग्रुप हम देखेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ वंस थ्री है, तो यहां पर हम देखें एक इसमें थ्री है नंबर ऑफ वंस, किसमें, सेवन में, और ये सब आ चुके हैं, इसके बाद नंबर ऑफ वंस किसमें है, इसमें इलेवन में, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, सेवन एंड इलेवन, दिस इज सेवन, दिस इज इलेवन। सेवन का इक्विवेलेंट जीरो वन वन वन, इलेवन का इक्विवेलेंट वन जीरो वन वन। सो ये थर्ड ग्रुप है। उसके बाद हम फोर्थ ग्रुप देखेंगे जिसमें नंबर ऑफ वंस कितने, फोर है, ये सब आ चुके हैं, ये नंबर ऑफ वंस किसमें है, फोर, फिफ्टीन में, दिस इज फिफ्टीन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वन 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 वन। सो स्टेप नंबर वन क्या है, जो हमें नंबर ऑफ वंस के अकॉर्डिंगली हमें टेबल बनानी है यहां पर, जिसमें हम ग्रुप करेंगे वंस टू थ्री फोर, जिसमें नंबर ऑफ वंस है अकॉर्डिंगली। अब स्टेप नंबर टू क्या रहेगा यहां पर, स्टेप नंबर टू इसी तरह से हम टेबल फिर से बनाएंगे, बट उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम मैच्ड पेयर हम बनाएंगे, उसमें पेयरिंग करेंगे हम इसी तरह से। देखिए कैसे हम टेबल बनाते हैं, पहले यहां पर दिस इज ग्रुप, हम यहां पर क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, मैच्ड पेयर, जो भी मिन टर्म्स हैं उनके हम पेयर्स बनाएंगे, और उसके बाद उसी तरह से यहां पर क्या आएगा, वेरिएबल आएगा, वेरिएबल क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब देखिए हमें यहां पर मैस्ट पेयर बनाना है, यहां पर मैस्ट पेयर हम किस तरह से बनाएंगे, जैसे ये ग्रुप जीरो है, इस ग्रुप जीरो का वन के साथ हम पेयरिंग करेंगे। मैस्ट पेयर कैसे होगा, जब दोनों वेरिएबल्स में सिर्फ एक बिट का वेरिएशन होगा उसको हम मैस्ट पेयर कहेंगे। यहां पर देखिए जैसे हम इन दो ग्रुप को, मीन्स के हम जो भी nth ग्रुप है उसकी मैचिंग करेंगे किसके साथ, n प्लस वन एथ ग्रुप के साथ,
यहां पर इस ग्रुप की मैचिंग इसके साथ, फॉर एग्जांपल ये जीरो है, इसकी ग्रुपिंग होगी वन के साथ। इसके बाद इस एन प्लस वन की ग्रुपिंग किसके साथ होगी, एन प्लस टू एथ, मीन्स के यहां पर जो इससे नेक्स्ट ग्रुप होगा वन की ग्रुपिंग उसके साथ होगी। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग करेंगे। यहां पर देखिए जैसे जीरो और वन की हम ग्रुपिंग करें, जीरो और वन की ग्रुपिंग में क्या है, ये दो बिट है, यहां पर दो बिट कौन सी है, जीरो 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 और यहां पर क्या है जीरो 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 वन। इट मीन्स के ये भी सेम बिट है, ये भी सेम है, ये सेम है, यहां पर सिर्फ एक बिट का वेरिएशन है। इट मीन्स के ये ग्रुप बन जाएगा, इसको ग्रुप जीरो हम लिखेंगे। ये जो ग्रुप है ये किसका ग्रुप रहेगा, जीरो एंड वन का ग्रुप रहेगा। और यहां पर हमें क्या लिखना है, जितने भी सेम नंबर है उनको हम एज इट इज लिखेंगे, जो डिफरेंट नंबर थे उनकी जगह पे हम डैश लगाएंगे यहां पर। क्यों डैश लगाएंगे यहां पर, क्योंकि ये डी बिट है यहां पर, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज डी प्लस डी बार और दिस इज इक्वल टू क्या होता है वन होता है, तो यहां पर हम इसके लिए क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। तो ये हमने जीरो की ग्रुपिंग की इस वन के साथ। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस जीरो की ग्रुपिंग किसके साथ करेंगे, एट के साथ करेंगे। तो यहां पर दो टर्म कौन सी है, ये जीरो जीरो, दिस इज जीरो 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 और उसके बाद क्या है एट, वन जीरो जीरो जीरो। तो यहां पर भी ये एक टर्म वेरी कर रही है, बाकी टर्म्स क्या है, बाकी वेरिएबल क्या है, यहां पर सेम है। तो इट मींस के किसका ग्रुप है, जीरो और एट का ग्रुप है, मैच पेयर कौन से, जीरो एंड एट, और इसमें भी क्या लिखना है, डैश एंड जीरो जीरो जीरो। तो ये ग्रुप जीरो कंप्लीट हुआ हमारा इस तरह से। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, ग्रुप वन करना है। वन कैसे करना है, अब इस वन ग्रुप को इस सेकेंड ग्रुप के साथ हम मैच करेंगे। यहां पर पहले हम वन को लेंगे, इस वन को हमें मैच करना है किसके साथ, थ्री के साथ। यहां पर देखिए वन को मैच करेंगे थ्री के साथ। वन किस, वन क्या है, ये जीरो जीरो वन और थ्री क्या है, जीरो जीरो वन वन। इट मीन्स इसके अंदर क्या है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये वेरी कर रहा है और ये सेम है। तो इट मीन्स के इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, यहां पर डैश लगाएंगे। तो ये किसकी मैचिंग है, कौन सा मैच्ड पेयर है, ये वन एंड थ्री मैच्ड पेयर है ये। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जीरो जीरो और यहां पर डैश देन वन एज इट इज। तो ये इसका मैच पेयर है। अब इस वन को हम किसके साथ मैचिंग करेंगे, नाइन के साथ। यहां पर क्या है, यहां पर वन जीरो 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 वन और नाइन क्या है, वन जीरो जीरो वन। ये सारे के सारे बिट्स क्या है, सेम है, ये डिफरेंट है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, डैश। ये किसकी मैचिंग है, कौन सा मैच्ड पेयर है, दिस इज वन नाइन। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डैश उसके बाद सेम बिट्स एज इट इज जीरो जीरो वन। तो ये वन और नाइन की है। अब बचा के यहां पर एट। अब इस एट की हम इस थ्री के साथ मैचिंग करेंगे यहां पर, इन एट की और थ्री की। तो एट किसके बराबर है, दिस इज वन जीरो 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 और थ्री किसके बराबर है, जीरो जीरो वन वन। अब देखिए इसमें ये डिफरेंट है बिट, ये सेम है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। इट मीन्स के मोर देन वन जो है वो डिफरेंट है, सो इसका हम मैच्ड पेयर नहीं रहेगा, ये एट एंड थ्री का मैच्ड पेयर नहीं रहेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे एट एंड नाइन को। एट एंड नाइन क्या है हमारे पास, एट इज वन जीरो जीरो जीरो, नाइन किसके बराबर है, वन जीरो जीरो वन। तो यहां पर क्या है, दिस इज सेम बिट, सेम सेम और ये चेंज्ड बिट है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वन जीरो जीरो डैश। तो ये ग्रुप कौन सा बना हमारे पास, दिस इज एट कॉमा नाइन, एट और नाइन का मैच्ड पेयर है ये। क्या आएगा यहां पर, वन जीरो जीरो डैश। तो इस तरह से ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को हमने क्या किया, मैच कर दिया। इसके बाद ग्रुप सेकंड और थर्ड को हम यहां पर कंपेयर करेंगे। ये भी मैच है, ये भी इस तरह से। अब यहां पर देखिए इस सेकेंड और थर्ड को करेंगे, तो फर्स्ट हम क्या लेंगे, इस थ्री को लेंगे और इसको किससे मैच करेंगे, सेवन से। तो थ्री और सेवन के मैच पेयर को यहां पर लिखेंगे, थ्री इज इक्वल टू जीरो जीरो वन वन और सेवन किसके बराबर है, जीरो वन वन वन। तो यहां पर ये सेम, ये सेम, ये सेम, एक बिट डिफरेंट है। इट मीन्स कि ये पेयर बन जाएगा किसका, थ्री एंड सेवन का मैच्ड पेयर होगा ये। और इस पे हम क्या लिखेंगे, जीरो डैश आ जाएगा डिफरेंट की जगह और यहां पर वन वन।
तो यहां हम क्या लिखेंगे 0-1-1. इसके बाद इस 3 की ग्रुपिंग हम किससे मैच करेंगे, 11 से. 3 किसके बराबर है, 0-0-1-1. 11 किसके बराबर है, 1-0-1-1. ये सेम है, ये डिफर कर रहा है, इट मींस यहां पर डैश लगाएंगे हम और ये 0-1-1. तो यहां पर 3 एंड 11 का जो ग्रुप है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहां पर -0-1-1 ये टर्म. उसके बाद 9 है, 9 और 7 को हम मैच करेंगे. इस 9 को 7 के साथ मैच करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 क्या है 1-0-0-1 एंड 7 इज 0-1-1-1. अब देखिए यहां पर ये डिफर है, ये डिफर कर रही है, ये डिफर, इट मींस कि इसका पेयर नहीं होगा, दिस इज नॉट ए मैच्ड पेयर. मैच्ड पेयर क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक बिट से ज्यादा डिफर कर रही है तो मैच्ड पेयर नहीं होगा. उसके बाद 9 एंड 11 का हम करेंगे, 9 किसके बराबर 1-0-0-1 और 11 1-0-1-1. तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये डिफर कर रही है यहां पर और ये सेम है. तो यहां पर एक बिट डिफर कर रही है, इट मींस कि मैच पेयर हो गई है. इसके लिए क्या लिखेंगे हम, यहां पर 1-0 और यहां पर डैश एंड दिस इज 1. तो ये किसका मैच पेयर है, 9 एंड 11 का. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1-0-1. तो इस तरह से ये ग्रुप 2 कंप्लीट होगा. अब हम ग्रुप 3 एंड 4 को कंपेयर करेंगे, इन बिट्स को और इन बिट्स को. तो इस टेबल को आप कंप्लीट कर सकते हैं. तो इस तरह से इस टेबल को हम कंप्लीट कर लेंगे, मैच पेयर ऑफ 2 मिन टर्म्स. अब यहां पर 4 मिन टर्म्स को हम मैच करेंगे, यहां पर ग्रुपिंग करेंगे, यहां पर हम इस तरह से उसी तरह से जैसे प्रीवियस केस में हमने किया था, 0 और 1 को हम पहले चेक करेंगे. तो यहां पर ग्रुप 0 जो रहेगा, ये जो फर्स्ट है यहां पर, इसको हम मैच करेंगे. सिर्फ एक बिट हमारी चेंज होनी चाहिए, इसको हम मैच किससे करेंगे, इससे करेंगे यहां पर. तो देखिए इसमें क्या वेरिएशंस हैं, दिस इज 0-0-0- और यहां पर क्या है 0-0-1. तो ये यहां पर मैच नहीं कर रहा है, तो इसका ग्रुपिंग नहीं होगा यहां पर. उसके बाद हम सेकंड के साथ इसको चेक करेंगे, यहां पर ये देखिए 0-0-0- और ये क्या है, दिस इज -0-0-1. इट मींस के यहां पर भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, तो ये मैच नहीं होगा. इसके बाद हम इसको थर्ड मिन टर्म के साथ, हम इस ग्रुप के साथ मैच करेंगे, क्या रहेगा इसमें 0-0-0- और ये 8-9 क्या है, दिस इज 1-0-0-. तो यहां पर हम देखेंगे कि ये डिफर कर रहा है और ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो एक बिट का डिफरेंस है, तो इसका मैच्ड पेयर रहेगा. और रिजल्ट क्या आएगा यहां पर, ये डिफरेंट है, इसकी जगह पे डैश आएगा, दिस इज 0-0 और ये दोनों डैश हैं. तो ये किस किस का मैच्ड पेयर है, 4 का, 4 मिन टर्म्स का, 0-1 का और 8-9 का. तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 0-1-8-9 और इसके लिए रिजल्ट क्या लिखेंगे, दिस इज -0-0-. इस तरह से इसके बाद 0-8 मिन टर्म को हम कंपेयर करेंगे, इस पेयर को इसके साथ 1-3 के साथ. 0-8 किसके बराबर है, -0-0-0 और 1-3 क्या है, दिस इज 0-0-1. इट मींस ये डिफर कर रहा है, ये डिफर कर रहा है, ये डिफर, तो ये मैच पेयर नहीं होगा क्योंकि एक से ज्यादा डिफर कर रहे हैं यहां पर. उसके बाद हम 0-8 को कंपेयर करेंगे किससे, 1-9 से. 0-8 क्या है, -0-0-0, ये -0-0-0 और 1-9 क्या है, -0-0-1-0-0-1. सो यहां पर देखिए ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये डिफर, तो ये मैच्ड पेयर होगा इसका. तो इसका रिजल्ट क्या देखेंगे हम, डैश, ये सेम है 0, ये सेम है 0, ये डिफर कर रहा है, जो भी डिफर करेगा उस पे क्या लिखेंगे हम, डैश. इस तरह से तो कौन सा था ये, दिस इज 0-8-1-9. इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे यहां पर, -0-0-. उसके बाद इस 0-8 को हम कंपेयर करेंगे किससे, 8-9 से. 0-8 इज -0-0-0 और 8-9 क्या है, 1-0-0-. ये भी डिफर कर रहा है, ये भी डिफर, तो ये मैच पेयर नहीं होगा. इसके बाद ये ग्रुप खत्म हुआ यहां पर. उसके बाद ग्रुप 1 के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे यहां पर. अब हम इस 1-3 पेयर को कंपेयर करेंगे 3 और 7 के साथ. यहां पर ये पूरा का पूरा हमारा खत्म हो चुका है. इसके बाद हम
1 एंड 2 ग्रुप को कंपेयर करेंगे और फर्स्ट टर्म 1 3 है इसको फर्स्ट टर्म के साथ करेंगे, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ, उसकी उसी तरह से 1 बाय 1 कंपेयर करेंगे। तो 1 3 के साथ 3 7, 1 3 किसके बराबर है 0 0 - 1 और 3 7 क्या है 0 - 1 1। इट मींस ये भी चेंज, तो ये मैच्ड पेयर नहीं रहेगा। उसके बाद हम दिस वाज विद दिस वन, उसके बाद 1 3 को हम किससे करेंगे 3 11 से, 1 3 किसके बराबर है 0 0 - 1 और 3 11 क्या है -0 1 1 -0 1 1। सो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इट मींस इसका पेयर नहीं बनेगा, मोर देन 2 वेरिएबल चेंज है। अब इस 1 3 को हम किससे करेंगे 9 11 से, 1 3 क्या है 0 0 - 1 और 9 11 क्या है 1 0 - 1 1 0 - 1। यहां पर एक बिट डिफरेंट है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, इसका पेयर बनेगा मैच्ड पेयर, तो हम क्या रिजल्ट लिखेंगे इसका डैश यहां पर 0 - 1। तो ये किसका पेयर बना है हमारे पास 4 का 1 3 और 9 11, दिस इज 1 3 9 11 और इसका रिजल्ट क्या है -0 - 1। उसके बाद ये टर्म खत्म और यहां पर 1 9 को हम कंपेयर करेंगे किससे, इनसे 1 बाय 1, 1 9 को 3 7 से कंपेयर करेंगे हम, 1 9 क्या है -0 1 और 3 7 क्या है 0 - 1 1, ये 0 - 1 1। सो ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, तो इसका पेयर नहीं बनेगा। अब इस 1 9 को किससे मैच करेंगे हम 3 11 से, यहां पर क्या है ये -0 0 1 और 3 11 क्या है -0 1 1 - 0 1 1। अब देखिए यहां पर ये सेम, ये सेम, ये डिफर और ये सेम, इट मींस एक बिट डिफरेंट है, तो इसका पेयर बनेगा यहां पर और रिजल्ट क्या आएगा -0 और इस 0 1 की जगह क्या लिखेंगे डैश और यहां पर 1। सो ये 3 11 और 1 9 का है, 1 9 एंड दिस इज 3 11, क्या है रिजल्ट यहां पर -0 - 1। इस तरह से इस टेबल को आप कंपेयर कर सकते हैं। अब इसको हम 1 9 को 9 11 के साथ करेंगे, 1 9 किसके बराबर है दिस इज -0 1 1 - 0 0 1 और ये क्या है 1 0 - 1 1 0 - 1, ये भी डिफर कर रहा है, ये भी डिफर, इट मींस ये पेयर नहीं बनेगा। इस तरह से अब 8 9 को हम कंपेयर करेंगे एक एक बिट के साथ और इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आप टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। ये फाइनल टेबल है स्टेप 3 के अंदर, जिसमें हमने ग्रुप ऑफ 4 मिन टर्म्स यहां पर किए, ये 4 ग्रुप्स हैं मिन टर्म्स के, तो अकॉर्डिंगली अब यहां पर क्या आएगा, अब जैसे इसको कंपेयर करें हम, तो कोई भी यहां पर कंपेयर नहीं हो रहा है। जैसे इसको हम कंपेयर करें 1 0 कहीं पर नहीं आ रहा है, इट मींस कि ये जो लास्ट जो हमारे पास आया है ये प्राइम इंप्लिकेंट्स है बेसिकली, तो इनको अब हम लिखेंगे यहां पर, ये दोनों टर्म सेम है तो इसके जगह पे हम यहां क्या लिखेंगे, ये डैश है, ये बी की जगह पे यहां 0 है और ये यहां पर भी 0 है सी पे, तो इसको हम लिखेंगे दिस इज बी बार सी बार, प्राइम इंप्लिकेंट जो है। उसके बाद यहां पर देखिए -0 - 1, तो ये 0 किसके इक्विवेलेंट, यहां पर बी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे दिस इज बी बार और डैश, यहां पर 1 है डी पे, तो इसको हम क्या लिखेंगे बी बार डी। उसके बाद इसके लिए हम क्या लिखेंगे -- और यहां पर सी और डी, तो ये सी डी के लिए, ये सेम है दोनों टर्म्स, ये भी दोनों टर्म सेम है, ये भी दोनों टर्म सेम है, तो इस तरह से प्राइम इंप्लिकेंट्स यहां पर आ जाएंगे ये। इसके बाद हम असेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स के लिए टेबल बनाएंगे यहां पर, फाइनल टेबल। अब फोर्थ स्टेप पे हमें क्या करना है, असेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स निकालने के लिए प्राइम इंप्लिकेंट्स हम लिखेंगे यहां पर और इसके अकॉर्डिंगली जो मिन टर्म्स इन्वॉल्व्ड हैं, मिन टर्म्स मींस कि यहां पर 0 1 8 9 है, यहां पर भी आप चेक करें 0 1 8 9 सेम है, तो इसके अकॉर्डिंगली यहां पर कौन से मिन टर्म्स इन्वॉल्व्ड है 0 1 8 9। इस प्राइम इंप्लिकेंट के लिए ये मिन टर्म्स इन्वॉल्व्ड है, यहां पर भी 0 1 8 9 है और यहां पर भी 0 1 8 9 है। इसके बाद हम यहां पर इसके लिए लिखेंगे कि कौन से मिन टर्म्स इन्वॉल्व्ड है 1 3 9 11 1 3
9, 11, यहां पर 1, 3, 9, 11, ये भी 1, 3, 9, 11, तो इसकी जगह पे इस तरह से हम लिखेंगे यहां पर. उसके बाद CD के लिए कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व हैं? This is 3, 7, 11, 15, 3, 7, 11 and 15, तो ये टर्म्स यहां पर इन्वॉल्व हैं यहां पर, मेन टर्म्स. अब हम जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, जो मिन टर्म्स हमें दी है वो लिखेंगे हम यहां पर 0, 1, 3, 7, 8, 9, 11, 15. यहां पर हम लिखेंगे 0, उसके बाद 1, 3, 7, 8, 9, 11 एंड 15. अब जो भी हमारे पास यहां मिन टर्म्स इन्वॉल्व हैं उसके नीचे हम क्रॉस लगाएंगे. जैसे ये जीरो टर्म इन्वॉल्व है यहां पर, तो यहां पर हमने क्रॉस लगा दिया. वन इन्वॉल्व है तो वन के नीचे क्रॉस लगाया हमने यहां पर. उसके बाद एट इन्वॉल्व है तो एट के नीचे यहां क्रॉस लगाया. उसके बाद नाइन इन्वॉल्व है तो यहां नाइन के नीचे क्रॉस. इसी तरह से यहां पर फर्स्ट टर्म इन्वॉल्व है, ये वन है यहां पर. उसके बाद थर्ड, ये थर्ड है यहां पर. उसके बाद नाइन और उसके बाद इलेवन. इसी तरह से इसके लिए पहले थ्री के नीचे हम क्रॉस लगाएंगे, दिस इज थ्री. उसके बाद सेवन, उसके बाद दिस इज इलेवन एंड फिफ्टीन. तो इस तरह से हमने इन टर्म्स के नीचे क्रॉस लगाया है. तो इस तरह से ये टेबल तैयार है यहां पर जो क्रॉसेज हैं. अब हम क्या करेंगे, अब इनको कॉलम वाइज चेक करेंगे कि किस कॉलम में सिर्फ एक क्रॉस है. हम असेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं यहां पर. तो इसका स्टेप यहां पर क्या रहेगा, जो भी कॉलम है, जिस भी कॉलम में वन क्रॉस है उसको हम राउंड करेंगे. जैसे जीरो का ये कॉलम है, इसमें सिर्फ यहां पर क्रॉस है वन. उसके बाद वन में यहां पर टू क्रॉसेस हैं, यहां नहीं करेंगे. थ्री में टू क्रॉसेस हैं. उसके बाद सेवन में यहां पर वन क्रॉस है सिर्फ. उसके बाद यहां पर एट, एट में सिर्फ वन क्रॉस है. उसके बाद नाइन में टू क्रॉसेस हैं. उसके बाद इलेवन में टू क्रॉसेस हैं. उसके बाद 15 में वन क्रॉस है. तो इसको राउंड करेंगे यहां पर. इट मींस कि यहां पर सिर्फ इसमें यहां पर दो क्रॉसेस, ये क्रॉसेस हैं, उसके बाद ये क्रॉसेस है, तो इसमें कोई भी क्रॉसेस नहीं है. तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, दिस बी बार, सी बार और यहां पर क्या है ये प्लस सी डी. और ये फाइनल रिजल्ट है, ये मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन है. ये देखिए यहां पर ये टर्म हमने क्यों नहीं ली है, ये प्राइम इंप्लिकेंट थे बट दीज आर नॉट असेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स. क्यों, देखिए यहां पर वन है, यहां पर अवेलेबल है वन. थ्री, थ्री भी यहां पर है. उसके बाद नाइन, नाइन इसमें है. उसके बाद इलेवन, इलेवन भी यहां पर है. इट मीन्स कि जो असेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स हैं वो ये टू हैं और ये हमारा फाइनल रिजल्ट रहेगा. अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, यदि हम के मैप से इसको कंपेयर करना चाहें. देखिए के मैप बनाते हैं इसका. तो यहां पर इसको हम फिल करें, जीरो, दिस इज जीरो, यहां पर वन आ जाएगा. उसके बाद वन है, देन थ्री है, देन सेवन है, देन एट कहां पर है, यहां पर एट है, देन नाइन, देन इलेवन एंड फिफ्टीन. तो इस तरह से हमने इसको फिल कर दिया के मैप को. तो इसकी ग्रुपिंग जब हम करेंगे यहां पर, तो देखिए ये फोर का ग्रुप है यहां पर, एक ग्रुप ये बन गया यहां पर. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू, इसके लिए क्या आएगा यहां पर, सिर्फ सी डी आएगा यहां पर, दिस इज सी डी. और ये जो टू ग्रुप्स हैं इसके लिए हम यहां पर ग्रुपिंग कर सकते हैं. इसमें क्या आ जाएगा, यहां पर कॉमन क्या है, यहां पर बी बार, और इस साइड में क्या कॉमन है, यहां पर जीरो, तो यहां पर सी बार. तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं के मैप के साथ. सो दीज आर द फाइनल असेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स. अब यहां पर एक पॉइंट स्किप हुआ है, जो भी मिन टर्म्स मैच पेयर में इन्वॉल्व है उसको हमें टिक करना है. बेसिकली यहां पर जैसे जीरो वन का मैच पेयर बना है तो जीरो और वन को हमें टिक करना है. उसके बाद जीरो एट का यहां पर मैच पेयर है तो जीरो ऑलरेडी टिक्ड है यहां पर, एट को हम टिक करेंगे. उसके बाद वन थ्री को हमें टिक करना है क्योंकि ये मैच पेयर में इन्वॉल्व है, ये वन और ये
3, उसके बाद 1, 9 involved है, तो इसको भी हम टिक करेंगे, 1 and 9, उसके बाद 8 and 9 involved, तो उसको भी हम टिक करेंगे, 8 already tick है, और 9 भी tick है, उसके बाद 3, 7 involved है, this is 3 and 7, उसके बाद 3, 11, 3 is this, 11, उसके बाद 9, 11, this 9, 11, उसके बाद 7, 15, 7 and 15, तो इस तरह से सारे की सारी मीन टर्म जो है वो इन्वॉल्व हैं मैस्ट पेयर की ग्रुपिंग के लिए। यदि यहां पर कोई स्किप रह जाती है मीन टर्म्स, इट मींस के वो ऑलरेडी प्राइम इंप्लिकेंट है। यदि कोई भी यहां पर इनमें से यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जहां पर आपकी सारी की सारी ये मीन टर्म्स टिक नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं कर रही है पेयरिंग के अंदर, तो उसको उसका मतलब है कि वो डायरेक्टली इसी टेबल में यहां पर हमें प्राइम इंप्लिकेंट मिल जाता है, और उसको लास्ट टेबल जब हम बनाएंगे तो इस लास्ट टेबल में यहां पर प्राइम इंप्लिकेंट उसको एज इट इज वहां पर लिख देंगे जो फाइनल टेबल के अंदर इन्वॉल्व होगा। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसकी मैचिंग के लिए हमें इसको टिक करना है कि ये सारी की सारी टर्म इसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है। यहां पर जैसे 01 इन्वॉल्व है, दिस इज 01, 89 इन्वॉल्व है, दिस इज 89, उसके बाद 08 इन्वॉल्व है, दिस इज 08, उसके बाद 19 इन्वॉल्व है, दिस इज 19, उसके बाद 13, दिस इज 13, उसके बाद 911, दिस इज 911, उसके बाद 19 ऑलरेडी है, उसके बाद 311, दिस इज 311, उसके बाद यहां पर आ जाइए, दिस इज 37, ये 37 भी है, उसके बाद 1115, ये 1115 है, उसके बाद 311 ऑलरेडी है, 311 और 715, इट मींस के सारे के सारे टर्म्स जो है वो मैस्ट पेयर में इन्वॉल्व है यहां पर, तो इसलिए हमने डायरेक्टली ये लिखा है, कोई भी एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास नहीं आई है। उसके अलावा यदि किसी क्वेश्चन में आपको डोंट केयर कंडीशन दे रखी है, यहां पर जैसे सिंपली मीन टर्म्स दे रखी थी, यदि किसी क्वेश्चन में आपको डोंट केयर कंडीशन भी दी हुई है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, तो ये जो डोंट केयर है जैसे 2 एंड 4 है, इसको भी हम यहां पर ग्रुपिंग में और मैच पेयर में इन्वॉल्व करेंगे। यहां पर ग्रुपिंग में जैसे 2 है, 2 यहां पर एंड 4 यहां पर आ जाएगा, और इसी तरह से इन पेयर के अंदर ग्रुपिंग के अंदर हम इसको इन्वॉल्व करेंगे जो भी वहां पर डोंट केयर कंडीशन दिया हुआ है। बट यहां पर जब हम फाइनल स्टेप करेंगे स्टेप नंबर 4 जो प्राइम इंप्लिकेंट्स के लिए है, तो वहां पर जब हम ये मीन टर्म्स लिखेंगे जो ऊपर लिखे हुए हैं, इसके अंदर ये डोंट केयर कंडीशन हम नहीं लिखेंगे जब इनको फाइनली एसेंशियल प्राइम इंप्लिकेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस टेबुलर मेथड। इस लेक्चर के लिए इतना ही। यदि आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और यूजफुल वीडियोस आपके लिए बनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।